हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का कुछ ऐसा है, अभी मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री, चाय वाय हमने पी ली है, बस अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करके फिर नाश्ता बना के फिर मैं आपसे। तो गाइस, मम्मा कर रही हैं यहाँ पे पूजा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो सुबह के बच्चे हैं 10 और अभी मैं आज शॉप जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज मैं गया था पहले सैलून में अपना हेयर कट वगैरह और छत वगैरह करवाने को था। तो काफ़ी टाइम से टाइम नहीं लग रहा था, काफ़ी दिनों से। तो आज मैंने बोला सुबह चले जाते हैं, तो अभी मैं हो गया हूँ। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज बनाए हैं घर में मज़ेदार से परांठे। तो खाना हो चुका है यहाँ रेडी और साथ में दही और चटनी। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही मज़ेदार है जो बनाया है। किसने बनाया? जेटुगू, आपने बनाया? मुझे तो अभी खाना बनाना आता ही नहीं है। तो भैया परांठे बना ले जो है, ये लोग हैं इन्होंने बनाए हैं। आज बहुत मेहनत करी है सुबह। आलू वगैरह है, आलू परांठे ना, आलू गोभी के परांठे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ घर पे लंच टाइम और यहाँ पे देखो इनका चल रहा है डांस। तो गाइस, ये लोग डांस करके थक चुके हैं। कैसा लगा फिर? तो गाइस, हम लोगों को डांस करके लगा बहुत ही ज्यादा अच्छा क्योंकि हम लोग थे डुगू की डांस क्लासेस शुरू कर रहे हैं। डुगू को बोला कि डांस सीखने तो जो भेजते हैं कहीं पर, डुगू बोल रही है कि नहीं मम्मा, आजकल टीवी में सब कुछ सिखाया जाता है। तो स्टार्टिंग पहले मैं घर से ही करूँगी, थोड़ा सा अपना फ्लो बना लूंगी घर का डांस का, उसके बाद मैं डांस क्लास जाऊंगी तब करके। फिर डुगू ने बोला कि मम्मा, मैंने सोचा मैं भी घर में ही कर लेती हूँ प्रैक्टिस, थोड़ी पतली भी हो जाऊंगी और डुगू के साथ साथ डांस भी हो जाएगा। तो आप लोग हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारा डांस कैसा लगा। अगर आपको रोज़ हमें ये देखना है कि हम रोज़ घर में ही डांस प्रैक्टिस करें तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी हमारी हो चुकी है हालत ख़राब, डुगू को पूछते हैं कैसा लगा। मुझे डांस करके बहुत ही अच्छा लगा, मैं पहले डांस करती थी लेकिन भूल गई। तो आज डांस करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, फ्री महसूस हुआ और मम्मा को देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मम्मा भी डांस सीख रहे हैं। वाह बेटे वाह। और कबू ने तो कमाल का डांस, कबू का डांस से डांस देखा। कबू गिटार बजाएगा, क्या बजाएगा? पियानो का गिटार। उसे गिटार होता भाई, पियानो की। अच्छा पियानो की, ओके। तो आप भी गाइस बोलो, आप भी अगर मैं भी कल से डांस करूं, पूछो डांस। हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर में और शाम के बज चुके हैं 8। अब मैंने रात के डिनर की तैयारी कर ली है, सब्जी बनाते हैं। आज मैंने बनाया आलू भिया और आटा मैंने भून के रख दिया है। तो सब गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो हम पीने जा रहे हैं मज़ेदार सा जूस और साथ में
पापड़ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए यहाँ कर रहे हैं प्रभु और इसके पापा पूजा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं अभी घर पहुंच चुका हूं, शाम के बज चुके हैं, रात के 9 बज चुके हैं और मैंने आके अभी थोड़ा जूस वगैरह पिया है और उसके बाद अभी थोड़ा करते हैं रेस्ट। तो रेस्ट करने से पहले आज मैंने पंखा फैन फाइनली यहां बाहर हॉल में लगा दिया, तो अभी दिखाते हैं आपको। तो हॉल में फैन हमने लगा दिया है, तो अब यहाँ बैठने में हमें ना लगा, नहीं तो ऐसे हम हमारे रूम में ही फैन था, हॉल में फैन नहीं था। दो दिन पहले फैन लगाया था लेकिन भैया यहाँ पे हमें ना कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था फैन लगाने के लिए। बड़ी आराम से यहीं बैठेंगे, तो नहीं तो ऐसे मैं बैठता था कभी इस रूम में कभी उस रूम में, रात को एडिटिंग वगैरह करनी होती थी तो अब मैं काम यहीं बैठ के कर लिया करूँगा अपने आराम से, यहाँ बैठ के बाहर बैठना, किसी को डिस्टर्बेंस होना परेशानी। तो बस अभी खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद करते हैं रेस्ट। तो आज के ब्लॉग को गाइस करते हैं इसी के साथ एंड, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।